अभी हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनावी यात्रा में हैं। हम इस समय सीधी जिले में हैं और आज हम सीधी जिले की चुरहट विधानसभा का पब्लिक का रुझान जानेंगे। हम आपको बता दें, ये चुरहट विधानसभा वही चुरहट है जहां के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कुंवर अर्जुन सिंह थे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे और पूर्व HRD मिनिस्टर रहे। यहां से चुरहट की जो सीट है, इस बार फिर से कांग्रेस से अजय सिंह हैं और BJP से सरदेंदु तिवारी हैं। 2018 के चुनाव में अजय सिंह राहुल सरदेंदु तिवारी से चुनाव हार गए। अब इस बार फिर से दोनों पार्टी अपना दमखम लगा रही हैं। जनता के बीच लोगों का जनसंपर्क बराबर बना हुआ है। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखने में कि इस बार क्या अजय सिंह राहुल अपने ही गढ़ में BJP को मात दे पाएंगे, क्योंकि अजय सिंह राहुल को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं सीधी जिले में। तो इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है चुरहट का, और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और 2018 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीट बन के रह गई है। तो अब देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा, जनता तय करेगी कि जनता किसको चुनती है, पब्लिक किसको पसंद कर रही है, कौन से विधायक को पसंद कर रही है, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, चुरहट विधानसभा में किसके मतदाता किसे पसंद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इन सब चीज़ों पे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक अपने विधायक से क्या चाहती है, मेरा विधायक कैसा हो, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। अभी हम गुजर रहे हैं, ये छुहिया घाटी कहते हैं इसे, ये विंध्य की सबसे बड़ी घाटी है और ये सबसे ऊँची है, और सड़क तो बहुत अच्छी हम इसे नहीं कह सकते हैं, आए दिन इस रोड में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये भी तो है, मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश की ही सड़क है। शिवराज सिंह कहते हैं हमने अमेरिका जैसी सड़कें बना दी, पर अब आप खुद देख सकते हैं ये किस तरह की सड़कें हैं। ये देखिए, गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब सड़क ख़राब होने के कारण ही सब गाड़ियां भी ख़राब होती हैं। बात अलग है कि मशीनरी चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन देखने में आता है कि ये रोड ख़राब होने के कारण। अभी देखिए, ये चलने की स्थिति में रोड नहीं है, डामर का लेप लगा देने से सड़कें नहीं बन जाती, सड़कों का रखरखाव नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार में मुद्दे बहुत हैं, सिर्फ सड़कें ही बनाने से नहीं है। हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, व्यापारी कहता है हम टैक्स दे रहे हैं फिर भी हमें सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं हैं, तमाम तरह की बहुत परेशानियां हैं। किसी भी विधानसभा में जाते हैं तो सीधा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं इंसान की, जो हर दिन की ज़रूरतें हैं, वही नहीं मिल रही है। तो अभी हम चलते हैं और बहुत जल्द आपके बीच चुरहट विधानसभा की जनता से बात करेंगे और जनता का रुझान जानेंगे कि इस बार जनता का क्या रुझान है, वो किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे। तब तक देखने के लिए बने रहें TV 30 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।